अनंतपुरम जिल्ला कदिरी पट्टणंलो नूतनगा निर्मिंचिन डाक्टर बाबा साहेब अंबेडकर् विग्रहानि जातीय एस्सी मोर्चा अध्यक्षुलु लाल सिंग आर्य आविष्करिंचारु। ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు సోము వీర్రాజు, ప్రధాన కార్యదర్శి విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే పార్థసారథి తదితరులు పాల్గొన్నారు। పట్టణంలోని ఆర్ఎండ్బి బంగ్లా నుండి ర్యాలీ నిర్వహించి అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు। అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో లాల్ సింగ్ మాట్లాడుతూ కరోనా ప్రభావంతో రాష్ట్రాలు ఆర్థిక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాలకు అనేక రాయితీలు ఇచ్చిందన్నారు। దేశంలో 80 కోట్ల మంది పేద ప్రజలకు ఉచిత రేషన్, రైతుల ఖాతాల్లోకి 6000 రూపాయలు ఒక్కొక్క రైతుకు అందించిన ఘనత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీది అన్నారు। సొంత నిధులతో అంబేద్కర్ విగ్రహం ఏర్పాటు చేసిన ఎస్సీ మోర్చా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు గురిసి దేవానందను అభినందించారు। భారతీయ జనతా పార్టీకి రాష్ట్రీయ అధ్యక్ష आदरणीय जगत प्रसाद नड्डा जी के निर्देशानुसार पिछले कोरोना के कालखंड में महामारी के दौरान सेवा ही संगठन है पार्ट टू अभियान और संगठन का मंडल तक विस्तार, इन कामों को लेकर मेरा दक्षिण में प्रवास चल रहा है। पहले मैंने केरल और पुडुचेरी और कर्नाटक का प्रवास किया था। सेकेंड टर्म मैं कल तेलंगाना में 2 दिन से था, प्रदेश काल से मिली थी। अब 2 दिन आंध्रा में रहूँगा। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू का अनावरण है, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा था। संविधान में सामाजिक समरसता, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये सब समता, ये सब कहीं ना कहीं संविधान में लिखा था। उन बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू का अनावरण है। मैं यहाँ के अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देवानंद जी, पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। कांग्रेस के लीडर या कांग्रेस की सरकारें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनाती है, स्टेचू नहीं लगाती है। ये काम भी अगर कोई करता है तो या तो नरेंद्र मोदी जी करते हैं या भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप करती है, और उन्हीं का आज यहाँ पर स्टेचू का अनावरण है। यहाँ पर इसके बाद बीजेपी एससी मोर्चा की स्टेट वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। कल तिरुपति में भी वहाँ के डिवीजन के जो भी कार्यकर्ता हैं एससी मोर्चे के, उनके साथ भी मीटिंग होगी। कुल मिलाकर 2 दिवसीय हमारा यहाँ पर प्रवास है। अभी जहाँ तक मेरी चर्चा हुई है कार्यकर्ताओं से, मुझे लगता है कि संविधान की मूल आत्मा है बराबरी का अधिकार, मौलिक अधिकार। जगन रेड्डी जी की यहाँ सरकार चल रही है, उनकी सरकार चले, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में संविधान किसके लिए है, सरकार किसके लिए है? जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार। और इसलिए मैं उनसे इस मीडिया, आप सबके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, 73 साल हो गए देश को आजाद हुए, अभी भी अनुसूचित जाति के लोगों को आंध्र प्रदेश में यदि उनके साथ घटनाएं होंगी, अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो मुझे लगता है कि दलित समाज को पीड़ा होती है। उनकी पीड़ा को खत्म करना है, उनको सामाजिक सम्मान देना है, तो हमें अनुसूचित जाति के लोगों को सुरक्षा देना पड़ेगी, सुरक्षा की गारंटी देना पड़ेगी, उनके साथ होने वाली बलात्कार घटनाओं पर अंकुश लगाना पड़ेगा, रोक लगाना पड़ेगी और अपराधियों में भय पैदा करना पड़ेगा। नंबर 2, संविधान की मूल भावना के अनुसार एससी एसटी कंपोनेंट जो फंड है, ये फंड परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसका मत दूसरे में चेंज नहीं किया जा सकता। आंध्र प्रदेश में एससी कंपोनेंट फंड की जो राशि है वो दलितों के उत्थान, उनके विकास में ही लगे, ये मैं उनसे मांग करता हूं, क्योंकि ऐसी मुझे जानकारी मिली है कि एससी कंपोनेंट फंड को भी दूसरे मदों में परिवर्तन कर दिया जाता है। साथ ही गांव में, विलेज में, अर्बन एरिया में जो एससी के लोग रहते हैं, उनको नरेंद्र मोदी जी की सरकार
चाहे आयुष्मान के कार्ड बनाने को आदेश कर रही हो, चाहे उनको गैस सिलेंडर चूल्हा देने का काम कर रही हो, चाहे झोपड़ी की जगह पक्का मकान देने का काम कर रहे हो, चाहे शौचालय बनाने का काम कर रहे हो, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी जी को तय करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजनाओं को हम एक टाइम लिमिट में पूरा कर देंगे, ताकि लोगों को एससी के लोगों को विश्वास हो कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे लिए कर रहे हैं आंध्र में भी वो हमारे साथ 100